हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों, आज हम बनाएंगे पैटर्न। कोई भी पैटर्न हम कैसे बनाते हैं सीएसएस में, इसको आप लगा सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में। कोई फॉर्म बनाना है उसके बैकग्राउंड में, तो इसमें आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम और भी पैटर्न बनाना सीखेंगे। कोई भी पैटर्न बनाना हो वो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा कोड होता है इसका, यहाँ पे लगा देते हैं कोड। यहाँ पर लगाओ बॉडी पे, कोई भी एचटीएमएल का कोई कोड नहीं आएगा इसमें, हमने पूरी बॉडी पे लगाना है पैटर्न। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़, जैसे मान लो टेबल है, कोई फॉर्म है, उस पे लगाना है, तो आप यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉडी पे लगाऊंगी पूरे पे। तो यहाँ पे देखो स्टाइल टैग, यहाँ पे इसको बंद कर दो। यहाँ पे हमने लगाना है बॉडी पे, तो डायरेक्ट आप लिखो बॉडी टैग। कैसे बनाना है, या आप बॉडी टैग भी लिख सकते हैं साथ में, नहीं तो आप ऐसे एचटीएमएल भी लिख सकते हैं। तो जो जो भी हमारे पास कंटेंट होगा उसके सारे के सारे ऊपर पैटर्न लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी लिख देती हूँ, या फिर एचटीएमएल कुछ भी लगा दो। यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें एक चाहिए साइज। मान लो हमारे पास दो तरीके होते हैं यहाँ पर पैटर्न बनाने के। जो सबसे पहला तरीका है वो देखो, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। आप वेरिएबल ले लो कोई भी, हम सीएसएस में वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 120 पिक्सल का एक मान लो साइज है, जो भी मैं पैटर्न बनाऊंगी वो उस कितने साइज का होगा। तो ये एक पैटर्न है 120 पिक्सल का होगा, ठीक है। आप इसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। एक और मैं वेरिएबल बना देती हूँ, जरूरी नहीं आपने वेरिएबल बनाने ही है, ये मैं एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। एक और मैं वेरिएबल बना देती हूँ, उसका नाम जी रख देते हैं कुछ भी। तो इसमें मैं बना देती हूँ कैसे बनाना है पेट पैटर्न, रेडियल ग्रेडियंट के साथ हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेडियल ग्रेडियंट। तो ये रेडियल ग्रेडियंट होता है आपने अगर सर्कल में बनाना हो, तो यहाँ पे देखो ये सर्कल में है, ऐसे सर्कल में है, ठीक है। तो उसको रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं। एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, वो होता है लाइन में। तो मैं यहाँ पे पहले ये वाला बनाऊंगी, रेडियल ग्रेडियंट लिखो। यहाँ पे हमने कलर लिखने होते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, कॉम्बिनेशन होता है, दो तीन कलर लगा सकते हैं। यही वाला मैं तो ब्लैक कलर लगा देती हूँ। साथ में इसको बोल दो कितने परसेंट चाहिए, मुझे 70% ब्लैक कलर चाहिए। एक कलर और लगा दो, क्यों इसी वाला ही लगा देते हैं। कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी लगा सकते हैं, ये मुझे चाहिए 71%। तो मैंने यहाँ पे ये एक बना दिया वेरिएबल, इसको मैं बस रीयूज कर सकती हूँ। एक ये तरीका होगा, ठीक है। वेरिएबल बन गया, तो मैंने एक ये पैटर्न बना दिया। अब कैसे बनाना है, अकेला लिखो बैकग्राउंड, कुछ भी साथ में नहीं लिखना, सिर्फ बैकग्राउंड लिखो। बैकग्राउंड में लिखो वेरिएबल, जो हमने जी नाम का वेरिएबल बनाया था उसको कॉल करो। ये वाला जो वेरिएबल है इसमें क्या आएगा, रेडियल ग्रेडियंट। ये वाला जो भी कोड है वो सारे का सारा आ जाएगा जहाँ पे वेरिएबल को कॉल कर दिया हमने। हमें इसको करेंगे कॉमा, दो बार लिखेंगे, क्योंकि मैंने जो पैटर्न बनाना है वो एक बार से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश भी कर दूँ साथ में, रिफ्रेश करते जाए कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ बनता ही जाएगा। जैसे जैसे आप वैल्यूज ऐड करते जाएंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे बनता जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लगाऊंगी। कैलकुलेशन कैसे लगानी है, वेरिएबल साइज जो हमने लिया था कितना था, मुझे मैं यहाँ पे साइज मेंशन कर रही हूँ, 120 पिक्सल का मुझे पैटर्न चाहिए। तो ये देखो एक चीज ऐसी बन गई, ठीक है, छोटी सी एक जैसे पत्ती होती है ना वैसे ही बन गई। तो मैंने इसको बोल दिया साइज इतना चाहिए, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, जो भी इसका साइज होगा 2 से डिवाइड कर दो तो वो छोटा हो जाएगा। ये देखो आपकी मर्जी, मतलब कुछ भी ऐड करते जाओ, डिवाइड कर दो 4 से, रिफ्रेश तो वो और छोटा हो गया, आपकी मर्जी है कितना करना है। मैं 2 से करूंगी, एक कैलकुलेशन ये हो गई। अब साथ में एक और कैलकुलेशन लगाओ, दूसरा वेरिएबल जो हमने एक और साइज बनाना है सेम 120 पिक्सल का होगा, उसको भी डिवाइड कर दो 2 से। अभी एक पैटर्न बना है, एक पत्ती बनी है, रिफ्रेश करो तो वो ऊपर दूसरी बन गई। ऐसे दो हो गए वेरिएबल हमारे, इसको यहाँ पर लिखो दो कॉमा। इसके बाद अब ये तो हो गया, एक पैटर्न हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉनिक ग्रेडियंट। तो मेरे पास एक होता है रेडियल ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, कॉनिक ग्रेडियंट, बहुत सारी टाइप्स होते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी सारे मेथड करवाए हुए हैं, ये हमारे लिए पैटर्न बनाने के काम आते हैं, ठीक है। मल्टीपल कलर्स हम इसमें दे सकते हैं।
तो कौन का ग्रेडियंट है मेरे पास, इसका कलर लिख दो कौन सा चाहिए। ये वाला कलर लगा देते हैं, तो ये वाला लगा देते हैं, ये चाहिए मुझे 25%। जरूरी नहीं 25 भी रखना है, आप कोई भी रख सकते हैं, सारा गायब हो गया। 25% ये चाहिए साथ में, पहले इसको कंप्लीट करो तभी नजर आएगा। एक और कलर लगाओ, इसको हम रख देते हैं, ये वाला लगा दो। एक ये वाला कलर है, थोड़ा वाइट सा है, तो ये वाला कलर चाहिए मुझे। एक्स एक्सिस से 0%, वाई एक्सिस से 50%। तो ये वाला एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। एक ये हो गया रेडी। अब हम लिख देते हैं एक और कलर, एक ये वाला लगा देते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला कलर चाहिए एक्स एक्सिस से 0, 75% मुझे चाहिए वाई एक्सिस से। साथ साथ में आप अपनी मर्जी से देखते जाओ क्या क्या यहाँ पे बनता जाएगा। दो कलर ऐड हो गए, और एक और लगा दो, ये वाला लगा दो। जरूरी नहीं आपने कोड लिखनी है, कोड से हमें मल्टीपल कलर मिल जाते हैं इसलिए हम कोड लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो ये आ गया, ठीक है, अब कुछ ऐसा दिखने लग गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज हमने मेंशन करना है कि कितना उसका साइज होगा। तो जो हमने वेरिएबल बनाया था एस वाला, तो 120 पिक्सल तक ये हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लग गया। साथ में दोनों तरफ से साइज चाहिए, हमने एक मेंशन किया है वेरिएबल, इसको दो बार मेंशन कर दो। 120 पिक्सल एक तरफ से, 120 पिक्सल एक तरफ से, पैटर्न हो गया रेडी, ठीक है। तो आप इसमें कलर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी के साथ पूरा हमारा हो गया रेडी, एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो ये वाला एक तरीका है, बहुत ही सिंपल, आप जहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अगर डिफाइन नहीं कर रहा तो आप अट्रैक्टिव लिख सकते हैं, पहले दूसरा पैटर्न बना लेते हैं। अगर आप ये वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट जाओ जहाँ पे, इधर जो मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल की जगह ये वाला कोड आएगा, ये वाला कोड कॉपी करके, जहाँ पर वेरिएबल जी है वहां पर ये कोड आएगा, सेम वेरिएबल जी यहाँ पे वहां पर ये कोड आएगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न बनेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके साथ थोड़ा सा इजी रह जाता है कि हम पहले कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दें फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बन गया, अब हम दूसरा बनाते हैं। कैसे बनाना है, अब सब कुछ हटा देते हैं, एक पैटर्न हो गया ये वाला रेडी, अब कुछ और बनाते हैं। कोई भी पैटर्न आप पैटर्न बना सकते हैं, जहाँ पर लिखो डायरेक्ट बैकग्राउंड, अगर कुछ भी नहीं लिखना, अकेला बैकग्राउंड लिखो, इसको बनाओ कॉनिक, रिपीट करेंगे। तो रिपीटिंग कॉनिक मेरे पास होता है एक मेथड, रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। हम जहाँ पर ऐसे भी पैटर्न बना सकते हैं, फ्रॉम 30 डिग्री से स्टार्ट होगा, एंगल मैंने मेंशन कर दिया। तो कलर मेंशन करो मुझे, चाहिए ब्लैक का कलर, एक्स एक्सिस से 0, 120 डिग्री तक ये वाला कलर चाहिए। उसके बाद ये दूसरा तरीका है पैटर्न बनाने का, एक ये वाला कलर मुझे चाहिए 0, 180 डिग्री तक इसका एंगल रहेगा। साथ साथ में हम रिफ्रेश करते जाते हैं, तो कुछ ऐसा बन गया, कुछ भी बनता ही जाएगा ये, जैसे जैसे वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो ये बनता ही जाएगा अपने आप। 64 पिक्सल इसकी वैल्यू रहेगी एक्स एक्सिस से, 36 इधर से कर देते हैं दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस से, थोड़ा मूव हो गया, कॉमा, दूसरा हम मेथड लगाएंगे कॉमा साथ, सब कुछ आपने ऐसे ही लिखना है, मतलब जिधर कॉमा है कॉमा लिखेंगे। रिपीटिंग अब हम लगाएंगे, रिपीटिंग कॉनिक ही लगाएंगे, रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट। अब ये दूसरा है,
30 डिग्री से स्टार्ट, कलर अब चेंज कर देंगे, मुझे जहाँ पे चाहिए मान लो रेड लगा देती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हमें कोड ही लिखना है। रेड चाहिए 0 वैल्यू होगी और 60 डिग्री इसका एंगल रहेगा। तो ये जो चीज बनी है ये एंगल के साथ बनी हुई है, ये एंगल है ठीक है। तो रेड वाला आ गया, 60 डिग्री इसका एंगल रहेगा, कॉमा। एक और कलर लगाओ, ग्रीन लगा देते हैं, 0 वैल्यू, 120 डिग्री इसका एंगल रहेगा, ग्रीन आ गया। उसके बाद एक और लगा दो, ब्लैक लगा देते हैं, 0, 180 डिग्री इसका एंगल रहेगा, तो वो बीच में ब्लैक आ गया। अब देखो इसको कैसे करना है कंप्लीट, जहाँ पे इसको लगा दो, ये है ऑलरेडी सेमी कॉलन, ये सब कुछ एक ही लाइन का कोड है सारा, जहाँ पे कॉमा आएगा ठीक है, फिर बाद में नहीं तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे लगाओ बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी, इसके साथ पैटर्न बनेगा। आप वो जहाँ पे लिखो कितना बड़ा पैटर्न चाहिए, मुझे 128 पिक्सल चाहिए, हाइट विड्थ मेंशन कर दो, एक चाहिए 74 पिक्सल। रिफ्रेश, तो ये बन गया ठीक है, 3D में आ गया, 3D क्यूब बन गया। अब इसमें एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, जो हमने पहले बनाया था उसमें भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं, किसी भी पैटर्न में एनिमेशन लगानी है कैसे लगाएंगे। मैं यहाँ पे रोटेट कर देती हूँ 5 सेकेंड, एनिमेशन सेम लगेगी, इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे लगाओ की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम, तो हमें यहाँ पे 2 तरीकों से लगा सकते हैं, फ्रॉम से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे कर दूंगी इसको ट्रांसफॉर्म। एक तो होती है जी एनिमेशन की, मैंने जहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया स्टार्टिंग में ये 0 ही रहेगा, टू से ले फ्रॉम से लेके 2 तक चलेगा, 2 को कर दो 360 डिग्री, तो पूरा ये घूम जाएगा। लेकिन ये हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होती, अब देखो ये घूम रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये अप्लाई हो गई क्योंकि इधर स्क्रॉल बार आ रही है, तो यहाँ पर एनिमेशन लगेगी हमारी, ये नहीं लगेगी। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे 0 0 एक्स एक्सिस से 0 0 रहेगा, कॉपी करो पेस्ट, तो इसको कर दो 100%, पहले इधर से कर दो 100, चेक कर लो कैसी चाहिए, तो ये मूव होने लगे, आप इधर से भी 100% कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पैटर्न, एनिमेशन लगानी है या नहीं ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको आपने चेंज करना है, कुछ कलर चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करनी है, पहले एनिमेशन हटा देते हैं, ये आ गया, जहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं 60 डिग्री, वैल्यू चेंज करते जाओ जो पैटर्न चेंज होता जाएगा अपने आप। यहाँ पे आप कर दो 30 डिग्री, कुछ भी बन जाएगा, जो मर्जी आप जहाँ पे बना सकते हैं, पूरी बॉडी में लगा सकते हैं आपकी, जहाँ पे पूरी वेबसाइट पे ये पैटर्न लग जाएगा। तो जैसे जैसे कंटेंट ऐड करते जाएंगे ये बैकग्राउंड में पैटर्न लगता जाएगा। फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्म लिख दो, फॉर्म के ऊपर पैटर्न लग जाएगा ठीक है। तो टेबल को ही बनाना है, टेबल के ऊपर टेबल लिख दो, टेबल के ऊपर पैटर्न लगा के इसके फिर बैकग्राउंड में पैटर्न रहेगा, तो फ्रंट में या फिर आप अपना फॉर्म लगा लो, नहीं तो आप एक नेविगेशन बार यहाँ पे ऐड कर दो, इधर बटन वगैरह लगा दो, तो आपकी वेबसाइट हो जाएगी रेडी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।